उदाहरण 17, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कोण एबीसी बड़ा है कोण एसीबी। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक और नया उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 17। इस उदाहरण में हमें एक त्रिभुज की आकृति एबीसी दी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं और आपको साफ साफ दिख रहा है कि भुजा एसी भुजा एबी से बड़ी भुजा है। इस त्रिभुज में हमें इस चित्र के माध्यम से प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है कि कोण बी कोण सी से बड़ा है। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोण एबीसी बड़ा है कोण एसीबी से, कोण एसीबी से। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब आप देख रहे हैं कि भुजा एबी एसी की तुलना में छोटी दिखाई पड़ रही है। अब हम छोटी सी एक रचना करेंगे, हम एबी के बराबर एक लंबाई इस भुजा में लेने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम प्रकार का उपयोग करेंगे, प्रकार को हम इतना फैलाएं कि उसका एक सिरा ए पे हो, दूसरा सिरा बी पे हो और जो लंबाई हमें मिल रही है उस लंबाई के साथ हम यहाँ पर एक निशान लगा लें। ये एक पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को हम नाम डी दे दें। एक बिंदु है, इसे एक पॉइंट बनाएं, इसे नाम दे दें डी। तो हमें बिंदु डी मिला जहाँ पर ए डी ए बी के बराबर है। अब हम बी और डी को आपस में मिला दें, बी और डी को हम आपस में मिलाएं। हम इस कटी हुई रेखा से इसे मिला रहे हैं ताकि त्रिभुज की मूल रचना हमें दिखाई पड़ती रहे और एक जो नया हमने रेखाखंड बनाया वो भी हमें दिखाई पड़े। हमने बी डी से इसे मिला दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, भुजा ए बी बराबर भुजा ए डी है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने रचना की है। तो इस कथन को हम लिखें ए बी बराबर ए डी। और जब हम त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर ए डी कह रहे हैं, यानी हम एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज में यदि ए बी और ए डी बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी डी, ये हम लिख लें, कोण ए बी डी बराबर कोण ए डी बी। इसे हम बोलने के लिए कोण डी कह रहे हैं और इसका आशय इस कोण से है। अब आप देखिए त्रिभुज बी सी डी में, देखिए अब त्रिभुज बी सी डी में कोण डी जिसे हम कह रहे हैं बी डी ए, कोण बी डी ए बहिष्कोण है। इसे फिर से समझें एक बार, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में यदि हम सी डी को आगे बढ़ा दें सी ए तक, तो आप देख रहे हैं ये जो कोण बन रहा है जिसे हम डी कह रहे हैं वो इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण होगा। यही हम कथन के रूप में लिख रहे हैं कि त्रिभुज बी सी डी में कोण बी डी ए बहिष्कोण है। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के लिए जो बहिष्कोण होता है वो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण डी इस कोण के और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। इस कथन को आप चाहें तो लिख लें, हम कोण बी डी ए के बारे में लिख रहे हैं, कोण बी डी ए बराबर कोण ये वाला हिस्सा जिसको आप डी बी सी कह सकते हैं, कोण डी बी सी धन कोण डी सी बी, इस कोण की बात कर रहे हैं हम, कोण डी सी बी। इस कथन के आधार पर देखिए कि कोण डी बी ए अगर इन दोनों कोणों के योग के बराबर है तो ये अकेला इन दोनों में से किसी भी एक कोण से बड़ा होगा। तो चूंकि हमारा संदर्भ इस कोण से है तो हम कह सकते हैं कि कोण बी डी ए बड़ा होगा कोण डी सी बी से। चूंकि
ये कोण इन दोनों के योगफल के बराबर है, तो ये कोण प्रत्येक से बड़ा होगा। तो हम इसी बात को इस तरह से लिख रहे हैं कि कोण डी बी ए बड़ा है कोण डी सी बी से, डी सी बी जिसका हम आगे संदर्भ लेना चाहते हैं। अब पहले वाले कथन में मान लीजिए इसे हम कथन एक कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि बी डी ए, बी डी ए या ए डी बी, ये दोनों एक ही कोण है, वो ए बी डी के बराबर है। तो इसके जगह पर आप ए बी डी कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कोण ए बी डी, यानी इस कोण की हम बात कर रहे हैं। ये कोण भी कोण सी से बड़ा होगा, तो लिखेंगे हम कोण डी सी बी से बड़ा है। अब एक बार फिगर में देखिए हो क्या रहा है। अभी हमने सिद्ध किया कि ये कोण जिसे आप डी कह रहे हैं वो सी से बड़ा है, और कोण डी इस कोण के बराबर है, तो चूंकि ये इससे बड़ा है तो आप कह सकते हैं ये भी इस कोण से बड़ा होगा। इसी बात को हम यहाँ कथन के रूप में लिख रहे हैं, इसे हमने नाम दिया कोण ए बी डी। आप ये देखिए ये बड़ा होगा कोण सी से, जिसे आप डी सी बी कह रहे हैं, ये कथन हो गया। अब आप अपने इस परिणाम के नज़दीक पहुंच रहे हैं, डी सी बी जो कोण है वो इस कोण से छोटा है। यदि इस कोण में आप इसको भी शामिल कर दें, इसको भी शामिल कर दें, माने डी बी सी को शामिल कर दें, तब भी इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा। तो हम बाएं तरफ के पक्ष में एक और मान जोड़ रहे हैं, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी धन कोण डी बी सी, डी बी सी, तब भी ये कोण डी सी बी से बड़ा होगा। डी सी बी को आप चाहें तो ए सी बी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी से बड़ा है। ये बात फिर से हम दोबारा दोहराते हैं, यदि कोण ए बी सी बड़ा है कोण डी सी बी से, तो ए बी सी में कोई नई चीज जोड़ दें तब भी जो परिणाम है वो इससे बड़ा ही होगा। तो इसी बात को हमने लिखा ए बी डी धन डी बी सी, डी बी सी हम इसको शामिल कर रहे हैं ताकि हम इस पूरे कोण के संदर्भ में बात कर सकें। तो कोण ए बी डी धन कोण डी बी सी, ये हमने यहाँ लिखा, ये बड़ा होगा कोण सी से, जिसे आप डी सी बी कह रहे थे, आप चाहें तो उसे ए सी बी भी कह सकते हैं। तो ये हमने कथन लिखा। अब इन दोनों कोणों को देखिए किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कोण ए बी डी, ए बी डी और कोण डी बी सी, डी बी सी, ये इस पूरे कोण ए बी सी को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम इसके जगह पर लिखें कोण ए बी सी बड़ा है कोण ए सी बी से, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका परिणाम है, देखिए कोण ए बी सी बड़ा है कोण ए सी बी से, ये आपको प्रूफ करना था और आपने इस तरह से इसे प्रूफ किया, सिद्ध किया। एक बार खुद से भी कोशिश कीजिए, आप इसे कर लेंगे।